हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम सब बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लोग नेट या स्लेट के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट या स्लेट देने के लिए। उन सब के लिए मैं आज ये वीडियो लाया हूँ। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन लाया हूँ, तो आशा करता हूँ अगले एग्जाम में आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देख के अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट अलोंग विथ नॉर्मल स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जी, ऑप्शन दिया है पहले, नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी में सफर, एक गलत आंसर है, ये नहीं है। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इन हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में दिया है, अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट ए पेस कन्वेंशन टू हिम। तो फ्रेंड्स, आंसर डी होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन डी है राइट। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में है, फिर हम रिचार्ज एप्टीट्यूड के बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियो में। ओके, ये पेपर वन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड अचीवमेंट्स टेस्ट। तो फ्रेंड्स, यहां पर ऑप्शन दिए हैं, देखिए ए बी सी डी। तो यहाँ का कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। एम्बिग्युइटी आपका है राइट आंसर। एम्बिग्युइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। ऑप्शन ए दिया है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, सी या डी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? आंसर मिल चुका है हम सब के लिए, ब्लैक बोर्ड जो है वही है हम सब का आंसर। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, नॉट बिलोंग टू प्रोजेक्टेड ए, ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्टेड ए के साथ बिलोंग नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए टीचर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ध्यान दीजिएगा। For a teacher, which one of the following method would be correct for writing on the blackboard? तो friends, इसका answer क्या होगा? Option A, B, C या D? तो friends, मैं direct answer बोल देता हूँ। इसका जो answer है, writing the important points as clearly as possible। तो option D होगा इसका right answer। Okay? Next question दिया है, a teacher can be successful if he she, ऑप्शन ए दिए हैं, help student in becoming better citizenship, ये नहीं है, impart subject knowledge to students, prepare students to pass the examination, presents the subject matter in a well, तो friends ऑप्शन डी होगा right answer, okay? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मींस, ऑप्शन ए बी सी या डी। ओके, ऑप्शन चार देख लीजिए, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मींस क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, ऑप्शन डी है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको सब ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है, एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस लाया हूँ इसीलिए। बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू एवोल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन देखिए ए बी सी, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट, सपोज अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर his problems with his teacher and he visits the teacher's house for the purpose, the teacher should
ऑप्शन ए कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, या ऑप्शन बी सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस। ओके ये सब गलत है। सी देखते हैं सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम, या डी एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मॉरल। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ओके ऑप्शन डी है राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हेन सम स्टूडेंट्स आर डिलीबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास बाय मेकिंग मिशेफ, व्हाट विल योर रूल एज अ टीचर। ओके तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा डी गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर, ये है इसका राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ प्रोजेक्टेड एड, बिलोंग करता है ब्लैकबोर्ड, जो सबसे पहले पता चला ये बिलोंग नहीं करता है। तो ऑप्शन सी होगा आपका आंसर, ऑप्शन सी एपीडीएस्कोप। ओके ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा है ए टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चंस इफ ही कैन आस्क मीनिंगलेस क्वेश्चंस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ए फिक्स टाइम, मेनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन ए फिक्स टाइम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर। ओके ही शुड बी अ ऑनेस्ट पर्सन, ही शुड बी अ वेल ड्रेस्ड पर्सन, ही शुड हैव पेशेंस, ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। एक टीचर का यही गुण सबसे जरूरी है, ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर मेंटेनिंग एन एफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड, ऑप्शन ए अलाउ स्टूडेंट टू डू व्हाट दे लाइक। ओके ऑप्शन बी में बोला है डील विद द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, या गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, या डील विद देम पॉलिटिकली एंड फर्मली। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एन एफेक्टिव टीचिंग एड इज वन व्हिच, एन एफेक्टिव टीचिंग एड is one which is colorful and good looking, option B में दिया है activities all faculties, is visible to all students, easy to prepare and use। तो friends इसका answer क्या होगा? option B होगा इसका right answer, activates all faculties। okay next question, those teachers are popular among students who, those teachers are popular among the students, कौन से teachers students के पास popular होते हैं? तो इसका कौन सा answer होगा? तो friends option B होगा right answer, वही teacher popular होते हैं जो help them solve their problems। okay अब next question चलते हैं। next question में दिया है option question number 16 The essence of an effective classroom environments option A में दिया है a variety of teaching aids, option B C या D। तो friends इसका answer क्या होगा? तो friends option B होगा right answer, lively student teacher interaction। okay next question, on the first day of his class if a teacher is asked by the students to introduce himself, he should, okay
एक टीचर का पहला दिन ही अगर स्टूडेंट सब इंट्रोड्यूस करने के लिए बोले तो क्या होगा? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास इफ ए टीचर इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ ही शुड आस्क देम टू मीट आफ्टर द क्लास। नहीं, ये गलत आंसर है। टेल देम अबाउट हिमसेल्फ। ओके, तो फ्रेंड्स यही राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मॉरल वैल्यूज कैन बी इफेक्टिवली इनकैलकुलेटेड अमंग द स्टूडेंट्स व्हेन द टीचर फ्रीक्वेंटली टॉक्स अबाउट वैल्यूज हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस देम। यस, तो ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the important elements a teacher has to take cognizance of while addressing students in a classroom. So friends, question ko samjhiye. Identify the important elements a teacher has to take cognizance of while addressing student in a classroom. Iska option A, B, C ya D. To kya hoga right answer? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉइस मॉड्यूलेशन। ओके, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विथ द चिल्ड्रेन, द प्रिंसिपल, द टीचर हिमसेल्फ, द कम्युनिटी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा द टीचर हिमसेल्फ। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एमबीटी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेट और स्लेट के बारे में और खास तरह से सीटेट के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।